चाचा और भतीजे की रार। बारिश से बदहाल जिंदगी। सीधी के पेशाब कांड ने मध्य प्रदेश को किया शर्मसार। नहीं थम रहा ज्योति और आलोक का विवाद। आशा है आप खुशहाल होंगे, मजे में होंगे, अपने जीवन में निश्चित ही व्यस्त होंगे। ऐसे में अगर सप्ताह की कोई अहम खबर आपसे मिस हो गई हो तो यहाँ हम लेकर आए हैं सप्ताह भर की सुर्खियां खास अंदाज में, जो आप तक पहुंचना जरूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति में करीब एक साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पिछले साल शिवसेना में हुई दो फाड़ के चलते राज्य की आघाड़ी सरकार गिर ही गई थी। इस बार एनसीपी दो फाड़ हुई है राज्य सरकार पर, तो इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन राज्य के दिग्गज मराठा नेता शरद पवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा पर आज जरूर आई है। उनके अपने ही भतीजे अजित पवार और सबसे विश्वस्त साथी प्रफुल्ल पटेल ने मिलकर कुछ विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार का दामन थाम लिया। दोनों ही गुटों का दावा है कि उनके साथ विधायकों की संख्या ज्यादा है। शरद पवार का कहना है कि पार्टी के अध्यक्ष तो वे ही है। वहीं अजित ने चाचा को रिटायरमेंट की सलाह दे डाली। हालांकि 82 साल के चाचा शरद पवार भतीजे के आगे झुकने को तैयार नहीं है। राजद मुखिया लालू यादव ने यह कहकर शरद का बचाव किया कि राजनीति में कभी रिटायरमेंट नहीं होता। इस बीच शिवसेना के दोनों धड़ों में इस घटना का असर देखने को मिल रहा है। अजित के सरकार में शामिल होने से मंत्री बनने की उम्मीद पाले शिवसेना विधायक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अटकलें यह भी है कि आने वाले समय में वे फिर से मातोश्री की शरण में जा सकते हैं। चाचा भतीजे के इस जंग का परिणाम क्या होगा, इसका तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन यह तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र की राजनीति हलचल पूर्ण रहने वाली है। नदियां उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। जीवन देने वाला जल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दरअसल कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत आधे भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में बारिश ने जिंदगी बदहाल कर दी है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार आदि राज्यों में आसमानी बिजली एवं वर्षाजन्य हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अकेले हिमाचल में मानसून की शुरुआत के बाद से वर्षाजन्य हादसों में 43 लोगों की मौत हो गई। केरल के अलपुझा व अन्य इलाकों में बारिश के बाद पैदा हुए हालात की तस्वीरें डराने वाली है। सड़कें नदी में तब्दील हो गई है, पानी लोगों के घरों में घुस गया है। तटीय क्षेत्रों में कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। पत्तनमथिट्टा जिले में 130 साल से ज्यादा पुराना सीएसआई गिरजाघर भारी बारिश के कारण नष्ट हो गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन के कारण रास्ते जाम हो रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर मरम्मत के चलते ओरछा बैंड के पास 10 जुलाई तक 12 घंटे के लिए वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ से हरोली इलाके के गांव के 10 घर क्षतिग्रस्त हो गए। नागालैंड के दीमापुर का एक खौफनाक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि पहाड़ से चट्टान गिर रही है। इस सड़क पर जा रही 3 कारें पूरी तरह तबाह हो गई और पलक झपकते ही 2 लोग काल के गाल में समा गए। तेज बारिश का यह दौर अभी थमते हुए नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने मैदानी, निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर 9 जुलाई तक भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है और 11 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीधी में हुए पेशाब कांड ने समूची मानवता को शर्मसार कर दिया। चूंकि एक निरह आदिवासी दशमत रावत पर पेशाब करने वाला प्रवेश शुक्ला सीधी का भाजपा कार्यकर्ता था, तो उसके छींटे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के दामन तक भी पहुंचने थे। ऐसा हुआ भी। विपक्षी कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। देखते ही देखते यह सियासत का हॉट टॉपिक बन गया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशमत रावत को भोपाल बुलाकर उनके पांव धोए और उनकी आरती भी उतारी, साथ ही 5 लाख रूपये से ज्यादा की आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवाई। रावत को सुदामा कहते हुए शिवराज आज ने उन्हें अपना दोस्त भी कहा, माफी भी मांगी। हालांकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसे मुख्यमंत्री चौहान की नौटंकी करार दिया है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि प्रवेश शुक्ला जैसे लोगों की राजनीतिक बेशर्मी का नशा कब उतरेगा।
उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। ज्योति को बेवफा भी कहा जा रहा है। ज्योति के पति आलोक ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पहली नौकरी फर्जी दस्तावेज के आधार पर हासिल की थी। दरअसल ज्योति की पहली नौकरी सरकारी स्कूल में प्राइमरी शिक्षिका की थी। आरोप के मुताबिक ज्योति ने 2011 की विशिष्ट बीटीसी शिक्षक भर्ती में फर्जी तरीके से मार्कशीट तैयार करके लगाई थी। आवेदन में भी गलत सूचना भरने का आरोप है। आलोक का यह भी आरोप है कि ज्योति के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध भी है। इसी बीच झांसी में मनीष दुबे इस मामले से जुड़े सवालों पर बचते नजर आए। दूसरी ओर भारतीय सुलहदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुरुषों द्वारा छोड़े जा रहे स्त्रियों पर कोई सवाल नहीं करता, मगर एक स्त्री ने पुरुष को छोड़ दिया तो तमाशा खड़ा किया जा रहा है। इस बीच खान सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कहते हुए दिखाई दे रहे कि इस घटना के बाद 93 महिलाओं की कोचिंग उनके पतियों द्वारा बंद करवा दी गई। अब खबरें संक्षेप में। मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। राहुल ने कहा हमेशा के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यौन शोषण केस में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का समन, 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के निर्देश। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की 52 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मणिपुर में ताजा हिंसा में 4 लोगों की मौत, मृतकों में एक पुलिस कमांडो भी शामिल। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह के सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।